सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मोशन दिस साइड संजय पटेल, ब्लॉगर बाय चॉइस एंड इस वीडियो एडिटर बाय पैशन। एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप जो है ये इफेक्ट बना सकते हो। यहाँ पे बहुत ही मस्त सा इफेक्ट है, इसको हम बोलेंगे प्रोफाइल पिक्चर पॉप इफेक्ट। ठीक है, तो ये आप कैसे बना सकते हो, आप जो है इसको आपके प्रोफाइल में लगा सकते हो। बहुत ही मतलब लोग मज़ा आ जाता है यार ये देख के। तो कैसे बना सकते हैं मुझे बहुत लोगों ने पूछा भी था, सो यस इसलिए मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ, तो होप इट हेल्प्स। ठीक है, तो डायरेक्टली चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको ये सिखाऊंगा आप ये कैसे बना सकते हो इन कैनवा। आपको फोटोशॉप की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीधे कैनवा में सीखेंगे कैसे बना सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे, जैसे आप देख सकते हो। और आपको पता है क्या करना है, पहले तो क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे कैनवास सिलेक्ट करना है, मैंने यहाँ पे 1080x1080 सिलेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, एंड क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, वो करते ही हम कुछ ऐसे एक पेज पे आ जाएंगे। आपको तो पता ही होगा यार, इतना तो आपको आता ही होगा अगर आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हो। अगर नहीं देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर आपको एक फ़ोटो चूज़ करना है जिसको कि हमको जो है वैसे एक प्रोफाइल में बनाना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ये वाला फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ, ये वाला मेरा। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, हमारा फ़ोटो तो आ गया, बस अभी इसको थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, पहले क्रिएटिव बनाते हैं। उसके लिए हमको इसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, अगर आपके पास कैनवा प्रो है, कैनवा प्रो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, हमको क्या करना है, सिर्फ इफेक्ट्स में जाना है एंड बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक करना है। तो ये डायरेक्टली विद इन कैनवा ही बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है फ्री वेबसाइट है remove.bg, आप उस पर आ सकते हो। एंड यहाँ पे आपका जो फ़ोटो है जिसका आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, यहाँ पे अपलोड कर लो एंड वो अपने आप उसको स्कैन करके डाउन बैकग्राउंड रिमूव कर देगा एंड वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो जैसे ही आपका ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से रिमूव किया है इसने बैकग्राउंड। अब ये काम करते हैं, आप हमारा जो अभी वाला जो बैकग्राउंड है वाइट है, राइट, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, रेड में कर लेते ताकि हमारा फ़ोटो थोड़ा सा उठ के दिखे, या फिर एक काम करते येलो रखते हैं, येलो लुक्स गुड। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इस फ़ोटो को हम डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, सो इस फ़ोटो को हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे। एंड ये क्यों करना है मैं ये भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो फ़ोटो को डाउनलोड कर लिया एंड जो डाउनलोडेड फ़ोटो है वापस इसको कैनवा में अपलोड कर लो। अभी ये क्यों करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी जो अपलोडेड हमारा फ़ोटो, ये बैकग्राउंड को वापस से हम हटा देते हैं, आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्यों कर रहा हूँ मैं ये सारी चीज़ें। अभी ये फ़ोटो सिलेक्ट कर लो एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। ठीक है, एंड इसको थोड़ा साइड में ले लेंगे। अभी हमको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, गो टू एलिमेंट्स एंड यहाँ पे नीचे अगर आप आओगे आप देख सकते हो फ्रेम्स का एक ऑप्शन है, फ्रेम्स। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी फ्रेम्स है, कुछ मॉकअप्स भी है। सो हमको क्या करना है, यहाँ पे सर्कल वाला फ्रेम सिलेक्ट करना है, मतलब आपको जिसमें डालना है वो वाला फ्रेम सिलेक्ट कर लो। एंड ये जो हमारा येल्लो वाला बैकग्राउंड का फ़ोटो है इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ है कि उसने जो है पूरा एरिया कवर कर लिया है एंड छोटा हो गया हमारा फ़ोटो, बट हमको छोटा नहीं चाहिए, हमको हमारी पिक को एकदम बड़ा कर लेना है इसके हिसाब से। ठीक है, एकदम परफेक्ट, एकदम स्क्वायर जैसा था वो वैसे ही कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि हमारा हेड थोड़ा सा पोर्शन कट चुका है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम उसको कैसे सुधारेंगे ये भी आपको बता दो। सबसे पहले जो हमारा ये हमने जो यहाँ पे विदाउट बैकग्राउंड का एक फ़ोटो निकाला था स्टार्टिंग में, ठीक है, जो remove.bg से डाउनलोड किया था या फिर कैनवा से हमने उसको बैकग्राउंड निकाला था। अभी इसको हमको जो है ये वाले फ़ोटो को राइट क्लिक करके जो है एकदम फ्रंट में लेके आना है, एकदम फ्रंट में राइट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, एंड इसको सिर्फ हमको अलाइन करना है हमारे फ़ोटो के साथ। ठीक है, अभी वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली अगर आप इसको इसके ऊपर ले जाओगे तो उसके अंदर चला जाएगा, तो क्या करो कि जितना पास हो सके उतना पास आप लेके जाओ इसको, एंड देन आपको एरो कीज़ यूज़ करके इसको ऊपर नीचे करना है। ठीक है, अगर आप एरो कीज़ के बिना करोगे तो
तो वो अंदर चले जाएगा एंड हमको उसको जो है उसके साथ मैच करना है हमारे नीचे वाले फ़ोटो के साथ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि अभी ये परफेक्ट मैच लग रहा है, अभी सिंपली रुको, अभी ये परफेक्ट मैच लग रहा है, अभी सिंपली क्या करना है, ये एक्स्ट्रा पार्ट नीचे का है इसको हमको जो है हटा देना है ऐसे करके, ठीक है, एंड वी हैव गॉट व्हाट वी वांटेड, ठीक है। और एक यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये येल्लो वाला जो पार्ट है उसको अगर आपको बैकग्राउंड देना है, व्हाट यू डू इज़ वापस एलिमेंट्स में आइए एंड सर्कल शेप यूज़ कीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके इसको बैक में डाल दीजिए एंड उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो आप देख सकते हो बहुत ही मतलब जो हम चाहते थे वो अचीव हो गया है यहाँ पे। इसको आप जो चाहो तो ग्रुप कर सकते हो एंड यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके यूज़ इट वेर एवर यू वॉन्ट, बहुत ही अच्छा लगता है। मीन्स थोड़ा सा आप कॉम्पिटिटर्स से उठ के आओगे अगर आप ये कहीं पे पोस्ट करते हो, पीपल विल लाइक इट, सो डू ट्राई इट आउट, ठीक है। सो गाइज होप ये वीडियो आपको समझा होगा कैसे करना है ये इफेक्ट। अगर नहीं समझा है कोई दिक्कत नहीं, मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हो जो भी डाउट हो या क्वेरी हो। अगर तो भी आपकी दिक्कत सॉल्व नहीं हो रही है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली DM कीजिए, मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम दे रहा हूँ, मैं आपकी सारी क्वेरीज वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू प्रेस दैट लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। सो इसी तरह मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड एज ऑलवेज कीप क्रिएटिंग।